प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के 8वीं सफल वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज 15 जून को शाम 5 बजे स्थानीय टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कटक माइनॉरिटी फ्रंट की हितधारकों की बैठक हुई। विशाल स्टेट नंबर स्मॉल फ्रंट के अध्यक्ष श्री सिकंदर अली, कटक जिलाध्यक्ष श्री लाल तेंदु बड़ू, श्री तम दास, श्रीमती रश्मि रेखा दास, श्रीमती प्रवीणा महापात्रा, श्रीमती नमिता मिश्रा, देवानंद सिंह, रतन मोहंती, मोहम्मद मुस्तकीम, शेख रहमान मुख्य वक्ता के रूप में, वक्ता विवेकानंद नाईक, सुधीर सतापति, कृष्ण चंद्र महापात्र, शरत भोल, शेख सादात, अब्दुल मुकीन यानी बानी, रघुनाथ दत्त, शेख अयूब, संग्राम सिंह, शेख बाबू, शेख इमरान, शिल्पा सौमित्री गोस्वामी, इम्तियाजी खतानी, इम्तियाज खानी, कल्याणी महला, सुशांत मोहंती, विश्वजीत महापात्र, देवी प्रसाद महापात्र, जयकृष्ण स्वैन, रवि साहू, शिव प्रसाद जीना, शेख सोम, अंजुम बीबी, रवेना बेगम, सैदा खातून, सौम्या राज प्रमुख नेता थे। नेताओं ने मोदी जी द्वारा बनाई गई अल्पसंख्यक के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की। 3 तलाक के अवसर पर बोलते हुए मुख्य वक्ता और मेहमानों ने मोदी जी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। शेख डेविड ने अपने भाइयों और बहनों को धन्यवाद दिया। सीए हूँ सिकंदर भाई, मुगुल भाई बढ़िया भाव में मंच परिचालना करबीर भाई बहुत सुंदर भाव में कहले, प्रवीणा बाबू सब सामिल अच्छा, मंच तेज बस सब नेता नमस्कार जन। आज खाली ये कह मैंने समस्त आपने शुणे एवं जानवे गोटे बड़ कथा पटिया मान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की संपादिका बड़ी बहन ऐश्वर्या मिश्रा जी, नवराज बड़ू महोदय हमारे अध्यक्ष जिला के और उपस्थित तमाम मंच को उपस्थित तमाम नेतृमंडली बहनों, थोड़ा मेरी बात सुनिए भी। आज हमारी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए, कटक में हम लोग राजनीति करते हैं, आप लोग सब हमारे भाई बहन हैं कटक से। हमारी सरकार जब बनी थी प्रधानमंत्री जी बिहार में सभा में बोले थे, मेरा देश का मुसलमान भाइयों बहनों, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास के माध्यम से देश को आगे लेके, 70 साल से कांग्रेस जो शासन करती थी देश में, गरीब पिछड़ा वर्ग से सबसे नीचे वर्ग में शामिल की थी हमारे सबसे खास मुसलमान संप्रदाय के लोगों को, शिक्षा से वंचित किया, पढ़ाया लिखाया नहीं उनको, पता चला समय भितर
कटक सहर मुस्लिम भाई भी विजयन भाई भी जयन भाई भी शिख भाई भी बौद्ध भाई भी मैंने समस्त अल्प संख्या माइनोरिटी हिताधिकारी के जो मैंने लाभ पाई चावल मेरा देश का मुसलमान भाइयों बहनों, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास के माध्यम से देश को आगे लेके 70 साल से कांग्रेस जो शासन करती थी देश में, गरीब पिछड़ा वर्ग से सबसे नीचे वर्ग में शामिल की थी हमारे सबसे खास मुसलमान संप्रदाय के लोगों को, शिक्षा से वंचित किया, पढ़ाया लिखाया नहीं, उनको पता था अगर मुसलमान कौन कम पढ़ा देंगे ये हम लोग कुछ छोड़कर चले जाएंगे, हमारे वोट बैंक और नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वशिक्षा अभियान का शुरुआत किया, सभी पढ़े सभी लिखेंगे, ना कोई जात पात का भेदभाव रहा उसमें, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिट हुआ था तो मुस्लिम समाज हुआ था। और जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में एक सभा में बोले मैं ऐसा हिंदुस्तान बनाऊंगा, राज्य सभापति सिकंदर कटक जिलार सभानेत्री महिला मोर्चार प्रवीणा अधर, कटक जिलार माइनोरीटी मोर्चार सभापति समीर भाई, कटक जिलार साधारण संपादक विश्व भाई, ये उपस्थित थिबा कटक जिलार नेतृमंडली मंडल सभापति मोर भी मान मो अल्पसंख्यक भी मैंने भाई मैंने समस्त को सादर प्रणाम कि मत के खुशी हो आज प्रोग्राम मत डाइन आप सहित ये किसी कथबार्ता करने को मत जो सुजोगा मिली से मैंने बहुत बहुत उल्लास विषय और सीट मुझे बहुत खुशी हो समस्ते तो सबकि आमर जहां विषय थी समस्त सबकि रिपिटेशन हेल्थ मुझे बहुत बेस समय नहीं बार्ता रखा चेस्टा कर समस्त अति सुंदर भाव में प्रस्तुति कले कि आप कौन चली जाने की बहुत खुशी हे कि आज आम जो उपस्थित कटक से बुबा दास की रिपोर्ट।